सो यहां पर हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो डिजिट है वो बड़ी हो रही है, तो यहाँ पर भी इस डिजिट को बड़ा होना था इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ टाइम, मींस हम टाइम की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर, मींस यहाँ पर दो क्वेश्चन है और इनको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। सो पहला क्वेश्चन है 10 मिनट 35 सेकेंड्स, इसे हमें सेकेंड्स में बताना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मिनट और सेकेंड के बीच का रिलेशन। सो मिनट और सेकेंड के बीच का क्या रिलेशन होता है, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो यहां पर 35 सेकेंड्स तो पहले से हैं, तो हम इसे तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे सिर्फ 10 मिनट को। ओके, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो 10 मिनट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 60। 10 मल्टीप्लाई बाय 60 में क्या करेंगे, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6, और ये जो दो जीरो हैं ये सीधे सीधे जंप करेंगे इसके सामने और ये बन जाएगा आपका 600 सेकेंड्स। ओके, सो इस तरह से 10 मिनट कन्वर्ट हो गए। सो ये प्रोसेस यहां पर हमने खत्म कर दी। ठीक, अब क्या करना है, हमें इसे 600 क्योंकि 10 मिनट्स को कन्वर्ट किया है, अभी ये ऐड करना बाकी है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमने यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया। आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में हम डिवीजन भी करते हैं, सो मल्टीप्लाई कब करें, डिवाइड कब करें, ये आपको कौन बताएगा, कैसे आप याद रखेंगे। सो ये आप याद रखेंगे इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से। आप इसे फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि ये मिनट और सेकंड के बीच का एक फॉर्मूला है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। थोड़ी देर के लिए यूनिट भूल जाइए, आप नंबर पर ध्यान दीजिए, 1 इज इक्वल टू 60। नंबर छोटे से बड़ा हो रहा है और नंबर बड़ा कब होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो यहां पर हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो डिजिट है वो बड़ी हो रही है, तो यहां पर भी इस डिजिट को बड़ा होना था इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। अब 60 से इसलिए किया क्योंकि रिलेशन 60 का है। जिन फॉर्मूलाज में रिलेशन 100 का रहता है, जैसे कि सेंटीमीटर का होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो वहां पर भी अगर हम कन्वर्जन करते हैं मीटर का सेंटीमीटर में, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर 100 से। ओके, जो रिलेशन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर 60 का रिलेशन था मिनट और सेकंड के बीच, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया। सो ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है, ये सभी में चलता है। जितने भी आपके जो यूनिट्स कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है। ओके, अब क्या करना है कि ये क्वेश्चन हम दोबारा से यहां पर लिखेंगे क्योंकि हमें 35 सेकंड्स ऐड करने हैं। सो 10 मिनट की जगह हम लिखेंगे 600 सेकंड्स, हमने कन्वर्ट कर लिए थे, ये बन जाएगा 600 सेकंड्स और इसमें ऐड करेंगे हम 35 सेकंड्स और ये हो जाएंगे 635 सेकंड्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 11 ओवर 15 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। सो प्रोसेस बिल्कुल सेम है क्योंकि यहां पर भी हमें मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सो हम लिखेंगे 11 ओवर 15 मिनट इज इक्वल टू 11 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 60, जैसे हमने यहां पर किया था। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कन्फ्यूजन और होता है बच्चों को कि ये जो 60 है इसको 11 से मल्टीप्लाई करें या 15 से। सो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए इसके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। हर नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, जैसे हम 1 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, इन सब के डिनोमिनेटर में 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन ना हो तो हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको मालूम है कि ये दो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, या फिर कैंसिलेशन होता है तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से कैंसिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल किससे करेंगे, इन दोनों में 5 कॉमन है तो हम इस 5 को माइंड में रख लेते हैं, ये लिखना नहीं है आपने। ओके, तो 5 3s are 15 and 5 1s are 5, ये 6 है, 6 में से 5 माइनस होगा, 1 बचेगा, वो 1 मिलेगा इसको और ये बन जाएगा आपका 10। तो 5 2s are
10 और इस तरह से 60 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 12 है। 11 भी है पर 11 कैंसिल नहीं होता, लेकिन 12 3 से कैंसिल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 माइंड में ले लेंगे और 3 से इन दोनों को कैंसिल करेंगे। 3 वंस आर 3, 3 फोर आर 12। अब आपके पास जो न्यूमरेटर है उसमें क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिनोमिनेटर में 1 एंड 1 है जो हम लिखेंगे नहीं। ओके, सो 11 फोर आर 44 और ये बन गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, मींस 8 आवर्स को अब हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है और इसके लिए जरूरी है इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है 1 hour = 60 minutes। ये तो आप पहले से ही जानते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। सो 8 आवर्स को हमें कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 8 hours = 8 × 60। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 = 48 और सीधे सीधे जीरो को डाउन कर देंगे और ये बन जाएगा 480 मिनट। सो 8 hours = 480 मिनट। नेक्स्ट इज 9.5 hours, इसे कन्वर्ट करना है मिनट में। अब ये एक मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 2 9s are 18, 18 + 1 19, तो ये बन जाएगा 19/2 आज और इसे कन्वर्ट करना है मिनट में। सो इज इक्वल टू लिखेंगे 19/2, प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, मल्टीप्लाई बाय 60। अब यहां पर फिर से हम कैंसिलेशन करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, कैंसिल हो सकता है 2 से। तो 2 1s are 2, 2 को माइंड में रखेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 0 सीधे सीधे जंप करेगा और 60 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से 19 × 30, यहां पर आपके पास आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है इसे हम लिखेंगे नहीं, तो 19 × 30, 19 3s are 57 और ये जो 0 है सीधे सीधे डाउन हो जाएगा और ये बन जाएगा मिनट। सो इस तरह से 9.5 hours कन्वर्ट हुआ और बन गया 570 मिनट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और आपने सीखा हो कि कैसे टाइम की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।